अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हैदर है और मैं आज आपको बता रहा हूँ वाटर सॉफ्टनर के बारे में। वाटर सॉफ्टनर क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको क्यों लगाना चाहिए। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, काइंडली रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो। क्योंकि पानी एक बेसिक नीड है, डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं कि साफ़ पानी पिएं। जितना पानी आप साफ़ पियेंगे उतना ही ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे। तो सबसे पहले वाटर सॉफ्टनर आपके लिए मैं लाया हूँ। वाटर सॉफ्टनर क्या होता है कि ये पहले वाली दो वेसलें लगती हैं। पहले वाली वेसल में पानी जाता है, पानी में मिट्टी, रेत, जंग, काई ये रिमूव करता है। सेकंड में जाके ये पानी के अंदर सॉफ्टनर लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक ये पानी के अंदर जो आपके पानी में सिल्ट आ जाती है वाइट वाइट, जिससे आप नया घर बनाते हैं, एक्सपेंसिव फिटिंग होती है आपकी, ग्रुई की फिटिंग है या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आपकी फिटिंग है तो उसके अंदर वाइट वाइट सिल्ट आ जाती है। शॉवर बंद हो जाते हैं, जकूजी बहुत बंद हो जाते हैं, आपके फ्रिज जो आइस क्यूब बनाते हैं वो बंद हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए आप कोई भी चीज़ आप इंपोर्टेड लेंगे उसके पीछे लिखा होता है कि इसके पीछे वाटर सॉफ्टनर लगाएं। तो ये पानी को सॉफ्ट कर देता है, बिल्कुल मुलायम कर देता है पानी को, जैसे डव साबुन से आप हाथ धोते हैं तो बिल्कुल मुलायम पानी होता है, उस तरीके से ये पानी को मुलायम कर देता है। यहाँ से सॉफ्ट होने के बाद फिर ये फिल्ट्रेशन में जाता है, यहाँ से फिल्टर होने के बाद टैंक में स्टोरेज हो जाता है और पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिन लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, बालों की प्रॉब्लम है, स्किन पे रेशेज हो जाते हैं, बाल गिरते हैं, सिकरी होती है, डॉक्टर सबसे ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि वाटर सॉफ्टनर लगवाएं। क्योंकि हार्डनेस आपके बालों को ख़राब कर देती है, आपकी स्किन को ख़राब कर देती है, आपकी एक्सपेंसिव फिटिंग ख़राब करती है, आपके एक्सपेंसिव बर्तन ख़राब कर देती है। तो वाटर सॉफ्टनर लगवाएं अपने घर में और लोगों को रिकमेंड करें। और नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, हम लोग पूरे पाकिस्तान में लगा के आते हैं। अगर आपको लगवाना हो तो आप रابطہ कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह।